हम लोग जा रहे हैं, सबको बाय बाय। हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और पहले के मुताबिक दोस्तों, मैं अभी थोड़ा ठीक ठाक ही हूं। और सुबह सुबह अभी थोड़ा दतवन कर रहा हूं। और अभी जा रहे हैं ये बच्चे लोग स्कूल, तो वो लोग को मैं रोक लिया और थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच लिया हूँ। तो चलिए आप लोगों को लोग से मिलाता हूँ। तो ये रहा हमारे बच्चे लोग गाँव के, जो स्कूल जाने वाले, देख सकते हैं। सबको हाय करो। तो कौन स्कूल जाते हैं बता देंगे इधर। तो ये लोग जाते हैं आरसी प्राथमिक विद्यालय पिथरा, जो मैं भी बचपन में वही स्कूल जाया करता था। और तो अभी बहुत ही लेट हो चुका है, तो ये बच्चे लोग को भेजते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम लोग जा रहे हैं, सबको बाय बाय। तो दोस्तों, ये रहा हमारे गांव के जो बच्चे लोग, जो अभी सबको जा रहे हैं स्कूल। बच्चे लोग तो स्कूल भेज दिया, उसके बाद में मैं आ गया हूँ इधर। खेती किए हैं उस साइड, तो देखिए इधर हम लोग भिंडी लगाए हैं और आगे भी कुछ कुछ सब्जी वगैरह लगाया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं आगे। फिर इधर बादाम लगाया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं बहुत आगे तक ये बादाम है। फिर इधर देखिए झींगी, और हमारे इधर देखिए कुछ इस तरह से रांझ गाड़ा जाता है। और इधर करेला भी साथ में, और इधर आगे अंदर में खीरा भी रोपा हुआ है दोस्तों, जो अभी देखिए इसमें फूल आ चुके हैं। और फल भी वो शुरू हो ही गया है, देखिए छोटा छोटा फल है और फूल भी पूरा चालू हो गया है। अभी अभी मुझे रोपा रोपने जाना है। तो दोस्तों इधर देखिए आगे ये धान है, हम लोग गच्छी किया हुआ है, जिसको हम लोग बीड़ा बोलते हैं। और बीड़ा एक साइड उखड़ा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं ये साइड उखड़ा हुआ है। और अभी जो ये जो देख रहे हैं, ये इसी को हमको लेके जाना है अभी। और अभी मैं ये इसको एक बोरा में बांध करके ले जाऊंगा। और गिडवा भर है, लेकिन दोस्तों ये सब में अभी हम लोग धोते नहीं हैं, और बोरा में अभी डालूंगा फिर लेके जाऊंगा। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ वीडियो। सारा वो बीड़ा को मैं लेकर आया, और इधर थोड़ा पानी में भिगो देता हूँ ताकि मुझे ना, और आजकल बहुत ज़्यादा धूप है ना, इसलिए थोड़ा इसको भिगो लेते हैं पहले। तो सारा बीड़ा को मैंने यहाँ रख दिया है पानी पर, उसके बाद में अभी फिर से रोपना चालू करेंगे दोस्तों। और देखिए कुछ इस तरह से है ये खेत में, आधा रोपा हुआ है और आधा रोपा हुआ नहीं है खाली। और इधर भी देख सकते हैं ये नीचे वाला खेत, इसमें भी रोपना है। और देख सकते हैं इधर कुछ कुछ खेत अभी भी बाकी है और कुछ रोपा हुआ है।